नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं सौरभ शर्मा। बंगाल की राजनीति से आज बड़ी खबर है। ममता बनर्जी की बहू और अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी से सीबीआई की पूछताछ थोड़ी देर पहले ही खत्म हुई है और करीब एक घंटा 40 मिनट तक सीबीआई के अधिकारी रुजिरा से पूछताछ करते रहे। रुजिरा से पूछताछ करने वाली टीम में सीबीआई के 6 अफसरों के अलावा 2 महिला अफसर भी शामिल थी। रुजिरा से ज्यादातर सवाल पैसों के ट्रांजैक्शन को लेकर किए गए। लीप्स एंड बाउंड्स नाम की कंपनी से जुड़े ट्रांजैक्शन को लेकर रुजिरा से पूछताछ हुई। सीबीआई की टीम के पहुंचने से पहले ममता बनर्जी भी अपने भतीजे के घर पहुंची थी। करीब 8 मिनट तक वो अभिषेक बनर्जी के घर में रही और ममता के साथ अभिषेक की बेटी उनके साथ घर से बाहर आई। सीबीआई की 90 मिनट की इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या सवाल किए गए, आज की सीबीआई की कार्रवाई के क्या राजनीतिक मायने हैं, इसकी एक एक डिटेल हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने जुटाई। रुजिरा बनर्जी को नोटिस देने के बाद ये माना जा रहा था कि आज 11 से 3 बजे का वक्त तय किया गया था जब सीबीआई रुजिरा बनर्जी से पूछताछ करेगी, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी उस घर में पहुंच गई जहां पर सीबीआई की टीम आनी थी और सवाल खड़े हो गए कि आखिरकार ममता बनर्जी कौन सी सियासी पटकथा लिखना चाह रही हैं। लेकिन मैं आपको इससे पहले पूरा घटनाक्रम बताता हूं। 11:10 पर सीबीआई की टीम निजाम पैलेस से रवाना हुई है। निजाम पैलेस एजेसी बोर्ड रोड में पड़ता है और वहां से 188A शांति निकेतन यानी अभिषेक बनर्जी का घर हरीशचंद मुखर्जी रोड पर लगभग आम दिनों में 15 से 20 मिनट का वक्त लगता है आने के लिए। और अगर 11:10 पर सीबीआई की टीम निकली है तो हम ये मान रहे थे कि 11:30 से लेकर 11:40 तक सीबीआई की टीम यहां पर पहुंच जाएगी, लेकिन ठीक उससे पहले ममता बनर्जी 11:24 पर यहां पर पहुंची, 8 मिनट तक अंदर बातचीत करी और उसके बाद अभिषेक बनर्जी को बेटी को लेकर यहां से रवाना हो गई। संदेश साफ था कि ममता बनर्जी आम लोगों में यह एक संदेश देना चाह रही थी कि पूरे कुनबे के साथ इस कुनबे का मुखिया एक साथ खड़ा है और अभिषेक बनर्जी के ऊपर अगर जांच एजेंसी जांच कर रही है तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो कि अभिषेक बनर्जी की बुआ है वो भी उनके साथ खड़ी रहेंगी और उसके बाद यहां से छोटी सी बेटी अभिषेक बनर्जी की उसको लेकर यहां से रवाना हो गई। लगभग 1.5 घंटे तक के सीबीआई ने पूछताछ करी और पूछताछ का एंगल कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को लेकर किया जा रहा है जो रुजिरा बनर्जी के अकाउंट से अनूप मांझी उर्फ लाला के बीच में हुआ है और सीबीआई को संदेह इसी ट्रांजेक्शन को लेकर है और यही वजह है कि रुजिरा बनर्जी और उनकी बहन से सीबीआई ने पूछताछ की है। और इस मामले में सबसे अहम बात यह है कि इस कंपनी का जो निर्माण है वो 2010 में हुआ था जब अभिषेक बनर्जी और रुजिरा के बीच में कोई जान पहचान ही नहीं थी। 2014 को शादी हुई और 2019 में कहीं ना कहीं इस तमाम चीज़ों के ऊपर घटनाक्रम होता चला गया और अभिषेक बनर्जी के पिता और रुजिरा बनर्जी इस कंपनी के एक साथ पार्टनर हुए और सवालों में तमाम चीजें तब से आने लगी जब सीपीएम ने सवाल उठाया कि आखिरकार अभिषेक बनर्जी की कंपनी जो 2010 के अस्तित्व में आई थी, जो पहले बनी थी, उसका अचानक से कारोबार 300 करोड़ रुपए तक कैसे पहुंच गया। कोल स्कैम को लेकर तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है। इससे पहले भी अनूप मांझी को रेड लुकआउट नोटिस दिया गया है और तमाम नोटिस अन्य नेताओं को दिए गए हैं, लेकिन फिर भी वो सीबीआई के सामने उपस्थित नहीं हुए और आज जब सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची है तो तमाम पूछताछ करने के बाद सीबीआई यहां से रवाना हो गई। सुजीत दास के साथ मनीष भट्टाचार्य।